गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज मैं आई हूँ लोहिया पार्क और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है। बहुत सारे बच्चे हैं जो झूला झूल रहे हैं और काफ़ी ग्रीनरी है। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे कितना खूबसूरत फ्लावर है। और ये देखिए पूरा नज़ारा, यहाँ पे रील्स की तैयारी हो रही है कि रील्स बनाया जाए क्योंकि लोकेशन बहुत खूबसूरत है। गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं आप लोग यहाँ नहीं आए हैं लोहिया पार्क तो ज़रूर एक बार आके यहाँ विज़िट करिएगा। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। और भैया दीदी को घुमाना भी था लखनऊ तो सोचा क्यों ना लोहिया से शुरू करते हैं। कल भोलेनाथ के मंदिर गए थे हम लोग और आज आए हैं लोहिया पार्क। सो लोहिया पार्क आके इनका क्या रिएक्शन है, कैसा लगा, चलिए दीदी से ही पूछते हैं। लोहिया पार्क आके कैसा लग रहा है आपको? अरे इतना बढ़िया पार्क है, पता होता तो काश हम लोग मतलब पहले ही आकर यहाँ पर सब कुछ रील शॉर्ट्स और बाकी इंजॉयमेंट भी करते। बहुत खूबसूरत लोकेशन है ना रील्स के लिए, वीडियोस के लिए। अगर आप लोग अभी तक यहाँ विजिट नहीं किए हो तो एक बार ज़रूर आना, उसके पहले मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस और लाइक और शेयर करिएगा। सो बेबी आपको कोई मिला? बेबी कह रही थी कि अभी मेरे को मिसेज डॉक्टर इंजॉय करने दो, और लेकिन वो मैं देख रही हूँ अकेले अपने आप में इंजॉय कर रही है। लेकिन ये बेस्ट है बेबी, कुछ बोलो। ये है पूरा पार्क, देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये लखनऊ का काफ़ी जाना माना पार्क है और इसे तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे। जो लोग यहाँ रहते हैं लखनऊ में वो लोग इस पार्क को तो डेफिनेटली जानते होंगे। पाम का फैमिली है ये? फैमिली का मेंबर है ये। अच्छा पाम ट्री होता है ना? हाँ अरे खजूर वाली फैमिली। हाँ इसी का मेंबर है। अच्छा अच्छा खजूर की फैमिली का अलग सा दिख रहा है ना ये कौन सा पेड़ है? अभी डॉक्टर साहब सर्च आउट कर रहे हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको, इसको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये इधर। क्या बोलते हैं इसको? जयगरी पाम कल्प वृक्ष है और ऐसा कहा जाता है कि इनको छू के जो भी विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो भैया और दीदी वो कर रहे हैं और अब हम और डॉक्टर साहब जा रहे हैं विश मांगने। ये है क्या पता है, इससे जो है ना बॉटल साफ किया जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बॉटल ब्रश है ये। महाराष्ट्र में बहुत मिलता है ये, महाराष्ट्र और गुजरात में। हाँ तुलसी जी के उधर तो इसलिए इधर खुशबू भी तुलसी वाली आ रही है। यहाँ पे आके ऐसा लगे मैं तुलसी तेरे आंगन की नहीं तेरे गार्डन की, तेरे गार्डन की। हाँ सही नाम अर्जुन है। हाँ। और ये जो है हाथ दानित है, इसका जो त्वचा होती है ना स्किन, हाँ। इसकी स्किन जो है ना बहुत हेल्पफुल होती है कार्डियक डिजीज, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम कर देता है। लेकिन पेड़ नहीं, पेड़ की त्वचा केवल तो ये जो अर्जुन त्वचा नहीं खिंचल सकते हैं। त्वचा का चूर्ण रखा हुआ है, किलो किलो रखा हुआ है, वो तो हम खाते ही हैं। तो आप लोगों ने सुना ना इस पेड़ का क्या आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आप इसको खा सकते हैं। इसकी त्वचा को, स्किन को, छाल को, छाल को इसको दूध में डाल करके उसको जैसे जितना छाल लें उतना दूध लें, है ना, थोड़ा सा 100 ml दूध ले लें और 100 ml पानी, उसको जो है छाल को पकाएं, उसमें छाल को पकने जब आधा रह जाए तो उसको निकाल करके आधा सुबह और आधा शाम पिए। मेरा भाई कैसे पकड़ता है इसको? हमारी ना यहाँ पर एक्चुअली एक छोटी सी प्लांट बन गई। लव नहीं लेते को अभी भी आ रहे हो? पता भी नहीं चला भैया को, मुझको बिना बताए जो है मेरा वीडियो मत दिया करो, मुझे पहले पेमेंट किया करो तब वीडियो दिया। बड़े लोगों के एटीट्यूड देख रहे हो, एक रील में एक्टिंग
हार्ली वो तब तक इसकी इसका अच्छी बात थी कि इसने शूट कर बस और आप ऐसे एक्सीडेंटली हीरो बने हो इन रियल तेरी भी जानती है ये सब बात वो अपना डॉक्टरी वाला बढ़ेंगे भैया आगे आगे बढ़ेंगे भैया हाँ आगे बढ़ोगे लेकिन ऐसे गलती से नहीं अपने आप से बढ़ो गलती से नहीं पैसे बचा रही थी इतना बोलने के लिए इसके साथ ऐसे किया कोई कीड़ा मुंह पे गिर जाता तो खा लेना फिर नॉनवेज तो खाती हो मतलब सोचा भी तो कितना खत्म कितना गंदा सोचा मैंने ये नहीं सोचा कोई कीड़ा फोर्टिंग कर दे मैंने कहा कीड़ा ही गिर जाए कीड़ा फोर्टिंग कर दे पता थोड़ी चले तो अब तेरा कैल्शियम मिल जाएगा तुमको और तुम्हारी मजबूत हो जाएगी क्या ये इससे हो जाएगी वैसे एक दो दिन बैडमिंटन खेलने बाद दो दिन दर्द हो रहा था हाथ तो ये यहाँ पर एक बहुत आपने रखा है ये माना जाता है बुक में रखने से विद्या माँ हाँ हमेशा बनी रहती है अपने साथ तो हमने तो रखा था दीदी आपने रखा था मैंने भी बहुत रखा था मतलब यूपी हो या महाराष्ट्र हर जगह इनका वही मोल है और भैया आपने रखा था अनिका को भी दे दिया अभी थोड़ा पढ़ने में अच्छी हो जाएगी अब पूजा तूने रखा था कि नहीं विद्या माँ को बुक में अच्छा अच्छा तेरे घर पे गार्डन गार्डन घूमो तो कम से कम गार्डन ना 100% कम से कम 10% पेड़ों का पता होना ही चाहिए आपके साथ उन्हें बता दे चलिए ना ये तो ज्ञान लेना ही नहीं चाहती आज हो जाती है तुरंत हरे कलर के अच्छा वो क्या ये बता दो बस मेरे को किरण दीदी ने बता दिया था कि पीपल का पेड़ है भाभी यही बताना और मेरे को नहीं जानकारी है इस बारे में मछलियां हैं सही बात है 2, 4, 5, 6, 7 सात बड़ी बड़ी है बाकी मीडियम है फिर उसके बाद स्मॉल साइज है आओ 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 कबूतर आ जाएंगे अभी दिल्ली 6 में देखा था तो मुझे याद नहीं था कि वो कबूतर थे कि मछली थी हम ही लोग चाय नहीं लेके आ पाए चाय लेके आते बढ़िया भैया पियेंगे चाय पहले कहेंगे प्लास्टिक का ले आओ हाँ बेबी आओ हाँ चला हट रे बेबी हाय तो बेबी जो है यहाँ पे लोहिया पार्क में थक गई थी तो जैसे हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं ना बच्चों को कंधे पे बिठा लेते हैं तो वैसे ही बेबी जो है मेरे कंधे पे लिया है मैंने इसको तो अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि तो बहुत हो गया ओवर हो गया हम लोग का क्या बोलते हैं कांदा बटाटा कांदा बटाटा मतलब क्या मैं बताती हूँ अच्छा, मतलब प्याज और आलू की बोरी अच्छा ऐसे ली जाती है ना तो अभी हम लोग निकल चुके हैं लोहिया पार्क से नहीं मेरे को चाय तो अभी हम लोग यहाँ पे चाउमीन और क्या क्या ऑर्डर किया है जो आप बोल रही थी अभी ब्रेड बंद मक्खन और चाय मेरे लिए दीदी के लिए चाउमीन बेबी के लिए चाउमीन डॉक्टर भी चाय पियेंगे और भैया भी चाय पियेंगे और पूजा जो है वो क्या खाएगी दीदी चाय और चाउमीन दोनों ही है तो आप क्या मैं बंद खाऊंगा और मक्खन खाऊंगा क्योंकि मुझे वो ही पसंद है हाँ तो बंद मक्खन और चाय हम दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है और वेट कर रहे हैं लखनऊ का फेवरेट है शाम इवनिंग पार्ट हाँ तो इधर चाय का सेकंड राउंड चल रहा है और काफी ज्यादा टेस्टी है चाय भी और क्या कहता चाउमीन हर चीज बहुत टेस्टी थी तो सेकंड राउंड में भैया डॉक्टर साहब और दीदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारा बेबी और पूजा भी है अभी लाइन में लगी हुई हम लोगों का तो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 बाय